क्या आप धान में दूसरा स्प्रे करना चाहते हैं? समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी दवाई का स्प्रे करें, दूसरा स्प्रे कब करना चाहिए हमको, कितने दिनों के बाद करना चाहिए, कौन सा फंगीसाइड, कौन सा इंसेक्टिसाइड और कौन सा एनपीके का स्प्रे करें, क्या हमको तीसरा स्प्रे करने की ज़रूरत है धान में, अधिक उत्पादन व कम लागत में धान की फसल को कैसे अच्छी बनाएं, धान में कीटों का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी दवाई का स्प्रे करें, तो यह वीडियो किसान भाइयों आपके लिए है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर वॉच करें जिससे आपको सही और सटीक पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं धान में दूसरा स्प्रे कितने समय के बाद हमको करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब आपकी धान में बालियां निकल चुकी हों या बालियां निकल रही हों तब आपकी धान में आप दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं धान में दूसरे स्प्रे में कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करें। यह आपकी वैरायटी पर भी निर्भर करता है कि आपकी वैरायटी कौन सी है। यदि आपकी हाइब्रिड की वैरायटी है, बासमती धान की वैरायटी है, तो आप इसमें अलग अलग रोग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, BPH का अटैक ज़्यादा देखने को मिल सकता है और ब्लास्ट का रोग भी कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकता है। किसी वैरायटी में यह रोग कम लगने की संभावना रहती है। तो हम बात करते हैं हाइब्रिड वैरायटी बासमती धान के बारे में बात करते हैं हम। तो यदि इसमें अधिक BPH, ब्राउन प्लांट हॉपर जिसको हम माहू बोलते हैं, भूरा तेला या माहू बोलते हैं, इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है आपकी धान में, तो इसकी रोकथाम करने के लिए आपको जो PI कंपनी का ओसिन इंसेक्टिसाइड आता है, इसका टेक्निकल डायनेटोफोरॉन 20% SG के फॉर्म में देखने को मिलता है। यह BPH पर अच्छे से कंट्रोल करके रखता है। इसका डोज आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। या फिर आप जो कॉर्टेवा कंपनी का पैक्सलॉन इंसेक्टिसाइड आती है इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका 94 ml का पैक एक एकड़ के लिए आता है। इसकी कीमत लगभग 1400 रुपये के आसपास देखने को मिलती है। 94 ml एक एकड़ में हो जाता है। किसान भाइयों, दूसरे स्प्रे में यदि आप इन दवाई का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप पायोमेट्रोजन 50% का उपयोग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में ज़्यादा BPH, माहू तेला का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है तो आप पायोमेट्रोजन 50% के साथ मेलाथिन आती है 50% EC के फॉर्म में आती है, इसको आप क्रॉस करके आपकी धान की फसल में डाल सकते हैं जिससे आपको 100% BPH पर कंट्रोल देखने को मिलेगा। पायोमेट्रोजन किसी भी आप ब्रांडेड कंपनी का ले सकते हैं, जैसे सिजेंटा, UPL या अन्य कोई कंपनी का भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, फंगीसाइड में आप सिजेंटा कंपनी का एमिस्टार्टो फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं दूसरे स्प्रे में। इसमें टेक्निकल एजोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनाकोनाजोल 11.4% SC के फॉर्म में देखने को मिलता है। यह गर्दन तोड़, सीथ ब्लाइट, एल्लो रस्ट पे काम करता है। इसका डोज आपको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं जिससे सीथ ब्लाइट, एल्लो रस्ट पर आपको 100% कंट्रोल देखने को मिलेगा। साथ ही बालियां चमकदार रहेंगी और किसी प्रकार की फंगस का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। उत्पादन में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप फंगीसाइड में दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे बायर कंपनी का नेटिवो फंगीसाइड आता है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसका रिजल्ट भी बढ़िया देखने को मिलता है। इसका उपयोग आप प्रिवेंटिव में या क्यूरेटिव में भी उपयोग कर सकते हैं। यह ब्लास्ट, एल्लो रस्ट, सीथ ब्लाइट पर भी अच्छे से कंट्रोल करता है। या फिर आप जो कॉर्टेवा कंपनी का गैलीलियो फंगीसाइड आता है जिसमें टेक्निकल पिकॉक्सीस्ट्रोबिन 7.05% और प्रोपिकोनाजोल 11.4% होता है, इसको भी आप धान की फसल में दूसरे स्प्रे में ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, एक बात ध्यान रखें कि आप जब दूसरा स्प्रे कर रहे हैं तब उस समय आपके धान की फसल में पोटाश की ज़्यादा
आवश्यकता पड़ती है, तो आप दूसरे स्प्रे में जो 0050 आता है, जिसमें 50% मात्रा सिर्फ पोटास की होती है, उसका उपयोग आप दूसरे स्प्रे में कर सकते हैं। यह दाने पर चमक लाता है और दाने में वजन बढ़ाने में सहायक होता है। इसकी कीमत लगभग आपको 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देखने को मिलती है। इसका डोज जो है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ होता है। यह बहुत ही बढ़िया एनपीके खाद में से एक खाद माना जाता है। इसका उपयोग आप दूसरे खाद में ज़रूर करें। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में मच्छर का प्रकोप देखने को मिलता है, तो आप डेल्टा मैथ्रेन जो 11% ईसी के फॉर्म में आती है, इसका डोज आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके 1 लीटर की प्राइस आपको लगभग 1600 से 1700 रुपये के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन किसान भाइयों, आपको स्प्रे करते समय सिलिकॉन चिपको का उपयोग अवश्य करना है, जिससे आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलता है और लंबे समय तक रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाइयों, आपको स्प्रे हमेशा शाम या सुबह के समय में ही करना चाहिए, जब थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, उस समय में स्प्रे करने से रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, क्या आपको तीसरा स्प्रे करने की आवश्यकता होगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। आपकी धान में जब बालियां निकल चुकी हों, तब आप दूसरा स्प्रे कर रहे हैं, तो आप अच्छी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, तब आपको तीसरे स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बालियां निकलने के बाद 20 से 25 दिन बाद धान पूरे तरीके से परिपक्व हो जाती है और तब कोई रोग आने की संभावना नहीं होती है, अर्थात आपको तीसरे स्प्रे की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। आपका दो ही स्प्रे में धान आपकी पक जाएगी। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं इसकी सावधानी के बारे में। तो आपको हमेशा हाथ में ग्लव्स और मुंह में मास्क का उपयोग अवश्य करना है। दवाइयों को सावधानी पूर्वक डालना चाहिए। स्प्रे करते समय कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। दवाइयों को बच्चे व जानवरों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमको कमेंट में अवश्य बताएं। और वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो आप दूसरे किसान मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।